नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी हेलीकॉप्टर में थे। सेना के कई और बड़े अफसर सहित 14 लोग इसमें सवार थे। हादसे में कई लोगों की जान जाने की रिपोर्ट्स हैं और कुछ घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। सुलूर के एयरबेस से उड़ान भरने के थोड़े ही देर बाद यह हेलीकॉप्टर नीलगिरी की पहाड़ियों के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। CDS रावत वेलिंगटन में स्थित डिफेंस स्टाफ सर्विसेज कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। वायुसेना ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। कैबिनेट की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बाकी मंत्रियों को जानकारी दी है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को संसद में बयान देंगे। हादसे के बाद राजनाथ सिंह बिपिन रावत के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे और परिजनों को इस बारे में जानकारी दी। आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री को हादसे से जुड़ी जानकारी दी। इस घटना पर तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। सेना के हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद पूरा देश आहत है। लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित दूसरे अफसरों की सुरक्षा के लिए दुआएं मांग रहे हैं। हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ। जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे वो डबल इंजन वाला था और इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। खबर है कि कैबिनेट की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी सहित बाकी मंत्रियों को जानकारी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हेलीकॉप्टर में सवार CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के सुरक्षित होने की उम्मीद है, शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर कहा कि CDS श्री बिपिन रावत जी के साथ हेलीकॉप्टर की दुखद दुर्घटना के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा अखिलेश यादव, हरीश रावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई नेताओं ने सलामती के लिए प्रार्थना की है। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने बड़ा ऑफर रखा है। सरकार ने बुधवार को कहा कि वो किसानों पर दर्ज सारे मुकदमे तुरंत प्रभाव से रद्द करने के लिए तैयार है। इसमें किसान आंदोलन के दौरान और पराली जलाने को लेकर दर्ज हुए मुकदमे भी शामिल हैं। अब ये दिखने लगा है कि सरकार अब किसानों की लगभग सभी मांगों को माने जाने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है, तो किसान भी सरकार की ओर से आ रहे प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले केंद्र की ओर से किसानों की मांगों को लेकर रखे गए प्रस्ताव को किसानों ने वापस भेज दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि इस प्रस्ताव में कुछ कमियां हैं, हमने कुछ संशोधन कर मंगलवार रात को इसे सरकार के पास वापस भेज दिया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को लखनऊ में महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण दिए जाने का वादा किया गया है। साथ ही 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की भी सुविधा होगी। कांग्रेस ने कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो महिला द्वारा संचालित छोटे व्यापारों में टैक्स में छूट मिलेगी, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता होगी, 10+2 में लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, स्नातक पास लड़की को स्कूटी मिलेगी और बस में फ्री यात्रा के साथ ही विधवा को 500 रुपये पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे वादे किए गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो चेताया है वो चिंता की बड़ी वजह हो सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले देश में बढ़ने के बीच IMA ने चेताया है कि यदि जरूरी सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना की बड़ी तीसरी लहर आ सकती है। इसने कहा है कि भारत के कई प्रमुख राज्यों से कोरोना के इस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं और कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में वृद्धि होना तय है। देश में अब तक कम से कम 23 ऐसे मामलों की पुष्टि हो चुकी है। IMA ने दावा किया कि उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य और जिन देशों में इस वेरिएंट के सबसे पहले मामले आए वहां के अनुभव से ये साफ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैलाएगा और ये अधिक लोगों को प्रभावित करेगा। PM मोदी ने गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर हमला बोला था। उन्होंने इसको UP के लिए रेड अलर्ट बताया था, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके इस बयान पर एक बार फिर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग भावनाओं का प्रतीक है और BJP भावनाओं को नहीं समझती है, ये बदलाव का प्रतीक है और वो जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है। अखिलेश ने कहा कि ये तो देवताओं में भी मिलेगा, हनुमान का रंग लाल है, सूरज लाल है, ये रिश्तों का रंग है और भाजपा इसे नहीं समझती है। अखिलेश ने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने BJP के हमलों को लेकर कहा कि BJP ने वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए उसकी भाषा खराब हो रही है। अखिलेश ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इनकी भाषा और खराब होगी। अखिलेश ने इसके साथ ही कहा कि जो जनता के बीच पैदा करे खाई वो भाजपाई।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद के शांति बहाल हो गई है। पिछले हफ्ते संसद में गृह मंत्रालय द्वारा आंकड़ा उपलब्ध कराया गया, वो कुछ और बयां करता है। इस आंकड़े के मुताबिक अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सैनिकों की मौत में कमी आई है, लेकिन नागरिकों की मौत की संख्या बढ़ी है। यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। इससे पता चलता है कि 5 अगस्त 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी हमले में हर महीने मृतकों की संख्या औसतन 3.2 रही, जबकि इससे पहले के 5 वर्षों में हर महीने मृतकों की संख्या औसतन 2.8 रही थी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में मारे गए सेना के जवानों की संख्या 1.7 प्रतिमाह है, जबकि इससे पहले 2.8 प्रतिमाह रही, यानी कि इसमें कमी आई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मई 2014 और 5 अगस्त 2019 के बीच 63 महीने की अवधि में हमलों में 177 नागरिक मारे गए। इसके बाद के 27 महीनों में नवंबर तक 87 नागरिक मारे गए, उनमें से 40 से ज़्यादा अकेले इसी साल मारे गए हैं। इस तरह हर महीने नागरिकों के मारे जाने का औसत 5 अगस्त 2019 के बाद कहीं ज़्यादा है। बुधवार की सुबह रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर ही रखने का फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक यानी RBI ने कहा कि रेपो रेट अर्थात जिस दर पर ये बैंकों को पैसा देता है 4% पर ही रखा जाएगा। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट यानी जिस दर पर ये बैंकों से पैसा लेता है वो 3.45% पर ही रखा जाएगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वाणिज्यिक बैंक अपनी ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपका ना तो EMI बढ़ेगा, ना ही कर्ज पर ब्याज दर में कोई बदलाव होगा। ये लगातार 9वां मौका होगा जब RBI ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के लिए GDP में 17.2% वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके अलावा दूसरी तिमाही में GDP में 7.8% की वृद्धि का अनुमान है। यदि भारतीय व्यवस्था इस दर से विकास करती है तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि ये अभी भी कोरोना की चपेट से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। इसके अलावा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस तरह तेजी से फैल रहा है उससे इस महामारी के बने रहने की आशंका को बल मिलता है। भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज अब जल्द ही जेल से बाहर आने वाली हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा डिफॉल्ट जमानत देने के बाद NIA की विशेष कोर्ट से जमानत की शर्तें निर्धारित करने को कहा था, जो आज कर ली गई हैं। विशेष NIA कोर्ट ने उनको कैश बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी। साथ ही ये भी कहा कि उनको मुंबई में ही रहना होगा। इसके अलावा हाजिरी की तारीखों पर आना होगा, मीडिया से केस से संबंधित बात नहीं करनी होगी और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। बता दें, सुधा भारद्वाज को साल 2018 में भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट से उनको डिफॉल्ट जमानत मिली। इस डिफॉल्ट जमानत को NIA ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसको खारिज कर दिया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।